यार प्लीज यार। इग्नोर। आज भी लाइटिंग अच्छी चल रही है, मैं क्यूट लग रहा हूँ रे। बिल्कुल लैब्राडोर की तरह। मैं इतना भी क्यूट नहीं लग रहा हूँ। यार देख, कुत्ता वैसे क्यूट होता है और बाय चांस लाइट में आ गया तो सेलिब्रिटी बन जाएगा। बाप रे हो, बाप रे हो। आप सबकी जिम्मेदारी है, पापा को कैसे भी करके मनाना है। हम ना आत्मनिर्भर ना कैसे भी करके बनेंगे। पापा बोल रहे पागलपनी की एक सीमा होती है, इतना पागल मत हो जा। दीदी 230 को क्या बोलते हैं हिंदी में? दीदी 230 को हिंदी में क्या बोलते हैं? गलत मत समझिएगा, मेरे को आती है, मैं जानबूझ के वीडियो के लिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने 2:30 बजे ना जापान का झंडा बना लिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज्यादा मत बोलिए, मैं एटीट्यूड में आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। सनी थैंक यू बोलना। अरे छोड़ना, अभी क्या कर रही है वैसे? बोलना थैंक यू, बोलियो थैंक यू। थैंक यू ऐसे नहीं जैसे तू नॉर्मली बोलता है। थैंक यू। हम नॉर्मल नहीं तो थैंक यू बोल देते हैं। थैंक यू। यस थैंक यू बबीता जी। सनी अब तू सोएगा कि मार के सुना तेरे को? मेरे सपने में दीदी आज रात भर कुत्ता ही कुत्ता आएगा। कुत्ता मेरे को ढंग से सोने भी नहीं दे सकता है, रात भर नींद में वही आएगा। इतना जिद मैंने पापा से किसी बात के लिए की होती ना? हाँ तो पापा ना पूरा कर देते। अच्छा आज तक दीदी ने जो भी बोला है ना, पापा मुझे ये वाला बिस्किट खाना है तो पापा ना वो बिस्किट ला देते हैं। मैंने बस एक बार बोल दिया पापा यार कुत्ता चाहिए मेरे को, वो तो ला नहीं दे रहे। मैंने मांगा बिस्किट, तू मांग रहे बिस्किट खाने के लिए कुत्ता। बिस्किट खाने के लिए कुत्ता। पापा 7 बजे लगा दिया आपका प्रीमियर। हाँ तो आपने 7 बजे जाके ना पापा के चैनल पे देख लीजिएगा। नहीं 7 बजे तेरा ब्लॉग आएगा। अरे तो वीडियो लड़ जाएगा जानी। पापा 7 बजे नहीं, थोड़ा और टाइमिंग बढ़ा दीजिए। आपका 7:30 कर देते हो पापा। ठीक है। मेरे को ना दीदी का फोन ना बार बार ना अनलॉक करने का मन कर रहा है, बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने ना दीदी के वॉलपेपर में ही कुत्ता का फोटो लगा दिया है। अभी महायुद्ध होते हुए पापा कौन जीतेगा अभी, आपको क्या लगता है? मैं जीतूंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है? ये अभी बहुत क्या गंभीर हालत में है, इनको यहीं पे छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हाँ दोनों कंटिन्यू कंटिन्यू। जिंदगी में पहली बार हारा हूँ पापा से। बहुत गंदा हरा दिया पापा मेरे को चेस में। ओह मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मैं ही जीत जाऊंगा। तो मैंने ना आज भी बिना नहाए एक वो। तो भाई अभी ना मैं नहा करके आया हूँ, ठीक है? तो कल की तरह ना मैंने कुछ भी मुंह में अन्न नहीं लिया बिना नहाए। यस। तो अभी ना मेरा केला शेक पीने के बारी। केला शेक नहीं, बनाना शेक। यस। तो जो मैं बनाना शेक जो पीता हूँ ना, तो इसमें ना बहुत ज्यादा झाग आता है, पन की चीज का है, तो दूध ही का होता होगा, तो मेरे को वो पसंद है नहीं। मैं छन्ना से ट्राई करने वाला हूँ इसको। भाई सर दूध दूध निकलेगा इसमें? अरे क्यों केला नहीं आएगा? मम्मी क्या पागल वागल हो गया कैसे? नहीं कुछ भी बोल रहा है। मैं मना की हूँ, सीखेगा कोई नहीं आएगा केला। केला कैसे आएगा? दो फिर तना पापा को खाना लगा दे बताया। हनी कल वाला कबूतर आ गया, जल्दी आ जल्दी जल्दी आ। हाँ पक्का पता चल गया मेरे को। आना 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 चल चल चल। और जहाँ से आया था ना वहीं से, अभी इधर इधर इधर। हेलो हट, तुमने तो उड़ा दिया यार इसको। पापा हमारा गाना सुन रहे हैं। दीदी दोबारा बोलियो। ओ हनी सनी का आधा से ज्यादा ब्लॉग में नहीं रहता। दीदी दोबारा बोलियो, क्या बोली मम्मी? दोबारा बोलना हमें क्या बोला? दीदी हम दोनों ना एक साथ रहते हैं, और बताना आप ही लोग कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तू नहा धो करके अच्छा चलो, मैं नाइट सूट में हूँ, नहाने के बाद मैं नाइट सूट। दीदी लड़का लोग का भी होता है क्या नाइट सूट? होता है, कुर्ता पजामा होता है, टी शर्ट पैंट होता है। अरे इस टाइप का ये लड़कियों के लिए होता है। अरे बहुत स्लो है मेरी बहन, बात समझती नहीं। मम्मी क्या हो रहा है? अरे ये तो नाइट सूट होता है होता है। अरे के ड्रामा देखते ना? मैं नहीं सुन रहा इसका बात। के ड्रामा में जो लड़का लोग होता है ना, बाप रे एक धक्का देंगे कहाँ पे जाके गिर जाएगा ऐसा लड़का सब। अच्छा? और कहा तुम? दीदी मेरे को बोल रही थी वो पानी में से एक जलपरा आ जाता है। जलपरा? बाप रे। भाई अभी ना खाना पीना मेरा हो गया था शाम से, दोपहर से मैंने कुछ वीडियो बनाया ही नहीं। यस मेरे घर में कुछ हो ही नहीं रहा था। भाई किसको बोल रहा था? कैमरे को या जो तुम्हें देख रहे हैं उनको? अगर कोई लड़की देख रही होगी तो। हाँ तो वही बोल रहा हूँ बहन जी। हेलो। हाँ
तो मैं ना थैंक यू बोलना चाहूंगा सुदेशना बासु जी को। उन्होंने आज पापा के सामने बोल दिया था कि प्लीज आया जी को ना एक डॉग दिला दीजिए। ओह बाप रे बाप, बाप रे, थैंक यू सुदेशना जी, बहुत सारा थैंक यू। पापा लगता है थोड़ा थोड़ा मान चुके हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे 100% में 0.1% शायद मान चुके हैं। थैंक यू। हाँ क्या हो गया, क्या हो गया मी? हाँ मैं फिर ब्लॉग बना रहा था। तो भाई तब तक के लिए खत्म, टाटा और बाय बाय।